हमने अपना चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने लेक्चर 1 को देखा और मोशन को इंट्रोड्यूस किया। अब हम मोशन के पैरामीटर्स देखेंगे लेक्चर 2 में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन, जैसा कि हम मोशन को जाना है लास्ट क्लास में, अगर आप इसी क्लास से ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले आप पुराने लेक्चर जाकर देख लीजिए, फर्स्ट लेक्चर देखिए और इंट्रोड्यूस होइए मोशन से और मोशन को जानिए कि मोशन को हमें सबसे पहली बात है, किसी भी मोशन को देखने के लिए हमें ऑब्जर्व करना होगा उस क्वांटिटी को, उस चीज को ऑब्जर्व करना होगा जो मूव कर रही है। और जो चीज ऑब्जर्व के लिए चाहिए वो होगा ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर के पास होंगे कुछ चीजें, कुछ पैरामीटर्स, कुछ इक्विपमेंट्स। वो क्या है वो मैंने लास्ट क्लास में बताई है। जैसे क्या था, एक रेफरेंस पॉइंट था हमारा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, स्टॉप वॉच था, ये सब चीजें थी। उसके पास एक कार्टेशियन का कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। हाँ, कुछ सामग्रियां लिखवाई थी, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो सामग्रियां चाहिए बस हमें अपनी पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। वो सामग्रियां देख लो पुरानी चैप्टर से, पुरानी लेक्चर से, ओके। तो हम किसी, अब बेसिकली बात करते हैं हम स्ट्रेट लाइन मोशन को। तो टू डिस्क्राइब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर हम किसी मोशन को स्ट्रेट लाइन में डिफाइन करना चाहते हैं, वी कैन चूज एन एक्सिस। हम मान लेते हैं कि एक्सिस चुनेंगे हम उसके लिए, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में 3 एक्सिस की बात की थी, एक्स, वाई और जेड में। हमने बोला कि हम डायरेक्शन से मतलब नहीं रखेंगे, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब नहीं रखेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, इनको एक्सिस में कन्वर्ट कर देंगे और एक्सिस के बेस पे हम पढ़ते हैं इनको, ठीक। और हमने एक्सिस में चलाया सबको, हमने बोला कि जब वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, वो जिस लाइन में भी हो, हम उसको सपोज करेंगे कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। हमें कोई फिक्स तो नहीं है कि एक्सिस फिक्स है। एक्सिस क्या होती है, आर्बिट्ररी होती है, कि हम अपने हिसाब से चूज करें कि हमें जहां भी एक्सिस लेनी है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस अगर हमने फिक्स कर दी तो वाई इसके परपेंडिकुलर होगी और जेड इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो बस हमारे पास एक आजादी होती है एक्स लेने की, तो जिस डायरेक्शन में वो चले वो हमारी एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। व्हेन द मेजर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस पॉइंट कन्वीनियंटली चूजन ऑरिजिन से ओ, मतलब की बात है कि जहाँ पे हम ऑब्जर्वर को रखेंगे उसको हमने क्या बोला, वो ऑब्जर्वर होगा, वो हमारे ऑरिजिन पॉइंट पे होगा और हम उसको बोलेंगे ओ, ओके, ओ के नाम से लेंगे। और किसी भी चीज की पोजीशन अगर हम बताएंगे तो पोजीशन को हम डिनोट करेंगे एक्स से। पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, एक्स यूज क्या करेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि एक्स एक सिंबल होगी, किसके लिए मैं यूज करूंगा, ये हमेशा यूज करूंगा मैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए, ओके, ये बात समझ जाए। आगे चलते हैं, जैसे कि पोजीशन। अब बात है कि पोजीशन क्या हो सकती है, पोजीशन मुझसे ऑब्जर्वर के आगे हो सकती है, पोजीशन ऑब्जर्वर के पीछे हो सकती है। तुम्हें याद हो तो एट अ पॉइंट ओ जो हमारी खड़ी है, एक कैरेक्टर जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये देखना, तो वो कैरेक्टर आए, ठीक है। वो कैरेक्टर का नाम क्या है, एलेक्सा, एलेक्सा रखा था मैंने उसका नाम, ठीक है। ये हमारी एक कैरेक्टर और साथ में हमारे दो और कैरेक्टर हैं, इनका नाम कभी और रख देंगे, तो मुझे सजेस्ट करके बोल सकते हो कि क्या क्या रख दूं, ठीक है। खैर, एलेक्सा क्या है, ओरिजिन पे खड़ी है और इसे एक कुछ दूर एक क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है। उस लड़के का नाम ए है और उससे पीछे एक लड़का खड़ा है उसका नाम बी है। तुम सजेस्ट का नाम कर बता देना, ए और बी का नाम क्या रखा जाए, ठीक है, बता देना। हाँ, मैं अलग अलग नाम रखते रहूंगा, ठीक है। तो ओ पॉइंट पे एलेक्सा खड़ी, तो एलेक्सा से देखो, एलेक्सा से पॉजिटिव मतलब कि आगे के लेफ्ट की तरफ जो भी होंगे, सॉरी राइट की तरफ जो भी होंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट की तरफ वाले को नेगेटिव लेंगे। ये आगे या पीछे की तरफ से हम अगर स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या होगी, चीजें मुझसे आगे होंगी या पीछे होंगी, साइड बाई साइड तो होंगी नहीं, क्योंकि बात किसकी हो रही है, स्ट्रेट लाइन की हो रही है, ठीक है। तो पोजिशन ऑफ ए कितना होगा, तो हम बोलेंगे +240 meters, ठीक है। अगर ये सब मीटर में दे रखी है, तो मैंने नीचे स्केलिंग कर रखी है, तो कितना होगा 240 meters। और अगर मैं पोजीशन ऑफ बी की बात करूं तो पोजीशन ऑफ बी क्या हो जाएगी, बताओ भाई, माइनस लगेगा क्योंकि वो पीछे है, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है, -120 meters। तो मुझे किसी को बताने के लिए, किसी की पोजीशन बतानी है, तो सिंपली बतानी है कि मैं क्या बोलूंगा, 120 meters। तो अगर बात हो रही है 120 मीटर नेगेटिव की तरफ, मुझे ये बताना होगा कि पीछे की तरफ है, नेगेटिव लगा के मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि वो पीछे की तरफ है, ओके। तो पोजीशन बताने के लिए मुझे किन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव मतलब उसकी डायरेक्शन बताने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव लगाएंगे, और उसकी मैग्नीट्यूड बताने के लिए वो कितनी दूर है। तो वो नंबर जो है हमारे पास, जितनी दूर पे वो खड़ा, तो 120 मीटर नेगेटिव लगा दे मतलब पीछे की साइड, ओके। आगे देखते हैं पाथ लेंथ। अब हमारे पास बेसिकली बात है, मोशन में बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी, उसमें से एक क्वांटिटी होगी पाथ लेंथ, कि मैंने कितना चला। सपोज करो कि पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं पहले, लेकिन एक बात देखो कि मैं बाइक, एक बंदे ने बाइक उठाई और बाइक लेके यहाँ से, ये दिल्ली में मैं द्वारका में रहता हूँ, द्वारका से वो चला गया जनकपुरी, ठीक है। वो जनकपुरी गया और ये तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है, ठीक है। वो गया और वो द्वारका फिर वापस आ गया
जाके गया द्वारका, द्वारका से जनकपुरी गया 20 किलोमीटर, तो बताओ अब तक उसने कितना पाथ लाइन ट्रेवल किया पहले इस बात को बता दो। तो बोला कि पहले उसने कितना ट्रेवल किया है 20 किलोमीटर, ठीक है, फिर वो वापस आ गया, तो टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, तो भैया जाने का टाइम 20 किलोमीटर और वापस आने का टाइम कितना 20 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 40 किलोमीटर। ओके, तो ये बात याद रखना कि मुझे वो फर्क नहीं है कि वो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, वो जा कितना रहा है मुझे सिर्फ इससे मतलब है, एक चीज होगी पाथ लेंथ, हमारा पाथ लेंथ को ही डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें पाथ लेंथ, मैं जब भी बात करूंगा कहीं पे डिस्टेंस की तो मैं पाथ लेंथ में बात करूंगा, पाथ लेंथ में नाम से ही पता चलता है कि पाथ का कितना लेंथ हो, जितना भी पाथ ट्रेवल किया बंदे ने उसका लेंथ क्या होगा। ओके, बात समझ लो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लो एकदम अच्छे से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन से स्केलर कौन से वेक्टर ये सब क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं क्या यूज करूंगा पाथ लेंथ का वर्ड यूज करूंगा। पाथ लेंथ हमें साफ साफ बता रहा है कि ये क्या होगी पाथ की लेंथ, जिस भी हमने ट्रेवल किया उस टोटल पाथ की लेंथ, उससे हमें मतलब नहीं है कि उसके पास वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मैं बोलूं कि उसी बाइक वाले को कि वो एक जोमेटो का सर वो है क्या बोलते हैं उसको डिलीवरी बॉय, ठीक है, तो वो पहले क्या किया कि उसने बाइक से किसी रेस्टोरेंट से उठाया और खाना उठाया और उसको ले जाके डिलीवरी दी, और फिर डिलीवरी देके क्या हुआ, फिर वापस उसी रेस्टोरेंट पे आया, फिर किसी और जगह गया, फिर वापस वहां से आया। तो मान लो सपोज करो कि उसने फर्स्ट जर्नी में, ठीक है, फर्स्ट जर्नी में वो गया 40 मीटर, ठीक है, सेकेंड जर्नी में वो गया 60 मीटर और थर्ड जर्नी में वो गया 80 मीटर। अब हमें कोई मतलब नहीं है कि वो किधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, हमें मतलब नहीं, वो चला चल कितना रहा, वो बाइक कितना चला रहा है, हमें सिर्फ उससे मतलब है उसने कितना पाथ ट्रेवल किया। ये बात ध्यान रखना कि पाथ ट्रेवल वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो जितना भी पाथ ट्रेवल करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा काउंट एड ही तो होता जाएगा। ओके, तो इस केस में उसका टोटल पाथ ट्रेवल कितना हो गया 80 + 60 + 40 = 180 मीटर हम बोलेंगे कि इसका पाथ लेंथ कितना हो गया 180 मीटर। तो इसमें क्या होगा कि हमें सिर्फ इसकी एक ही क्वांटिटी बतानी पड़ेगी, पाथ लेंथ में क्या बताऊंगा, अगर मैंने बताऊंगा कि किसी की पाथ लेंथ कितनी है तो मैं क्या, मुझे उसकी वो नहीं बताना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव करके नहीं बता, मैं सिंपली क्या बता दूंगा भाई कि इसने 4 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर इतना चला वो, तो सिंपली मैं ऐसे बताऊंगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताऊंगा, मुझे इसके साथ डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दो बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसी क्वांटिटीज होंगी हमारे पास जिनकी डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़े। जैसे कि अभी हमने लास्ट पॉइंट देखा था पोजीशन के बारे में, पोजीशन में क्या देखा हमने कि अगर किसी चीज़ की मुझे पोजीशन बतानी है तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, वो कितनी दूर पे है, और आगे या पीछे के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा, मुझे उसका हाँ डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी क्वांटिटी होगी जिनकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है सिर्फ मैग्नीट्यूड से, और कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से, ठीक है, कि हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी और उसकी मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ेगी। जो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है वैसे क्वांटिटी को स्केलर कहते हैं, इसीलिए पाथ लेंथ हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, पाथ लेंथ हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, और अगर हम बात करें किसकी पोजिशन की, तो पोजिशन कैसी क्वांटिटी होगी, इसमें दो चीजें बतानी पड़ रही है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये क्वांटिटी होगी वेक्टर। इनके बारे में थोड़ा सा नोट कर लो बस, कि अगर मैं स्केलर बोल रहा हूँ तो स्केलर के पास क्या होगी, ओनली मैग्नीट्यूड, उसके पास क्या चीज़ होगी, ओनली मैग्नीट्यूड, उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए, उस क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए मुझे सिर्फ क्या देना होगा, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड देना हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसके पास मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों देना पड़ गया तो मैं क्या कहूंगा कि डायरेक्शन दोनों देना पड़ गया तो मैं उसको वेक्टर कहूंगा। तो ऐसे दो टाइप की क्वांटिटीज होगी, एक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ क्या की जरूरत पड़ेगी, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, और एक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए तो हम उसको बोल देंगे वेक्टर, और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो स्केलर। ओके, ये बातें क्लियर। इनके बारे में स्केलर वेक्टर के बारे में हम और अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ बात क्या है, यहाँ एक लाइन की बात है, तो हम आगे या पीछे के लिए क्या कर देंगे, मतलब कि इसमें क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, आगे होगी या पीछे होगी, अगर किसी की डायरेक्शन बतानी है तो
तो हम सिंपल क्या पॉजिटिव नेगेटिव से बता दिया करेंगे, हमें यहाँ पे स्पेसिफाइड डायरेक्शन की नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव से बता देंगे तो बाकी सब चीजें इसीलिए इसमें नहीं बताया गया, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता रहा हूँ। बेसिकली मैं तुम्हें कहाँ बताऊंगा, फोर्थ चैप्टर में जब हम 2D में मोशन करेंगे, मतलब दो डायमेंशन कवर करेंगे, तो वहाँ पे हमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन बताना होगा कि साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, या कितने का एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में जरूर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ हमें वेक्टर और स्केलर के बारे में और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे बेसिकली। लेकिन मुझे यहाँ पे बताना था कि पाथ लेंथ जो होती है, पाथ लेंथ क्या, जब भी मैं पाथ लेंथ की बात करूंगा वो क्या बात हो रही है, डिस्टेंस की, ठीक है। नाम से ही पता चला पाथ लेंथ क्या होगा, जितना पाथ बंदे ने ट्रैवल किया, ओके। इस पे मैं और भी एग्जांपल हम आगे देखेंगे, ओके। तो ये पता चला पाथ लेंथ कैसी क्वांटिटी है हमारी, पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी, ओके। पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट वैसे ही बात है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा फर्क नहीं, हम डिस्प्लेसमेंट को जानेंगे चेंज इन पोजीशन से, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे जानेंगे, चेंज इन पोजीशन से, ठीक है। मैंने जैसे बताया था अभी कि ये स्लाइड अगर देखो दोबारा से आके, तो यहाँ पे क्या था, ये एलेक्सा है हमारी, ठीक है। एलेक्सा जानते हो ना, एलेक्सा कौन है, ये एलेक्सा है, ठीक है। एलेक्सा से कुछ पॉइंट, मतलब कि अगर मैं एक ही बात करूँ तो वो 240 मीटर पे उसकी पोजीशन है। अगर वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, मान लो क्यू से वो पी पे चला जाता है, ये क्यू से पी पे चला जाता है ये बंदा जो ए है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसकी पोजीशन चेंज हुई है। कितने से चेंज हुई है, तो हम बोलेंगे 120 से इसकी पोजीशन चेंज हुई है, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हम बोलेंगे प्लस की तरफ टुवर्ड्स, क्योंकि ये इस साइड की तरफ चेंज किया उसने तो प्लस कर देंगे हम, ठीक है। आगे की तरफ चेंज हुआ है, अब बात समझ में आ रही है तुम्हें। तो हम डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन, ये बात रखना। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ, डिस्टेंस क्या होती है पाथ लेंथ, कि जितना उसने पाथ ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन, कि उसकी पोजीशन कितनी चेंज हो गई है, इनिशियल पॉइंट जो था और फाइनल पॉइंट जो है उसके बीच में जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, सिर्फ हमें वही बताना है और कुछ नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा चेंज इन पोजीशन। पोजीशन को हम कैसे डिनोट किया करते थे, पोजीशन को डिनोट करने का तरीका था एक्स, ओके। और चेंज को हम फिजिक्स में हमेशा चेंज दिखाने के लिए हम ग्रीक का एक सिंबल यूज करेंगे, डेल्टा, ठीक है। ग्रीक का एक सिंबल यूज करते हैं डेल्टा, जो हमें ट्राइंगल की तरह दिखता है, ये जो तुम्हें डेल्टा दिख रहा है ये, इसको हम कहते हैं डेल्टा, ओके। और ये क्या है डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा एक्स मतलब क्या है, चेंज इन एक्स, मतलब चेंज इन एक्स, और एक्स से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, पोजीशन। तो हमारा क्या बता रहा है, चेंज इन पोजीशन, ओके। डिस्प्लेसमेंट, अब सिंपली बात है कि वो अपनी चेंज पोजीशन आगे की तरफ कर सकता है, अपनी पोजीशन चेंज पीछे की तरफ कर सकता है, तो उसके पास दोनों ऑप्शन है। तो हो सकता है क्या कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हो, चेंज इन पोजीशन हो, वो पॉजिटिव हो सकती है, वो नेगेटिव हो सकती है, मतलब क्या कि आगे की डायरेक्शन में भी हो सकता है, पीछे की डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इसके पास क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जब भी मैं बता रहा हूं चेंज इन पोजीशन किधर हुई है, तो उसके लिए क्या मुझे डायरेक्शन बताना पड़ा, मतलब इसके पास भी दोनों क्वांटिटी आ गई, दोनों चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, मतलब ये कैसी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारी, ओके। और ये हमारी मतलब जो चेंज इन पोजीशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कहूं मैं या चेंज इन पोजीशन कहूं, दोनों का मतलब एक ही है, ओके। तो चेंज इन पोजीशन जो, ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, और ये इवन जीरो भी हो सकती है, ठीक है। अगर कोई बंदा चला है, अगर कोई बंदा चला और घूम के वापस आ गया, इस पर हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो अगर बंदा चला है अगर अपनी पोजीशन चेंज किया है, तो उसकी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा कंपलसरी है कि डिस्टेंस, अगर मोशन हुआ है, पोजीशन चेंज हुआ है, तो डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब पाथ लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखेंगे, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव आ गया पीछे की तरफ, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर छोड़ दो तो बची भी क्वांटिटी क्या होगी, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, वो क्या हो सकता है कि हमारे पाथ लेंथ के इक्वल हो जाए। अगर देखो मैं क्या बोलूँ कि मैं वापस इसी पे आता हूँ, ठीक है। इस केस में ए अगर उठ के क्यू पॉइंट से पी पॉइंट पे चला गया, क्यू पॉइंट से देखो था, क्यू पॉइंट से वो पी पॉइंट पे अगर चला जाता है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना पार्ट ट्रैवल किया ये बताओ, तो कितना पार्ट ट्रैवल किया, तो 240 से 360, तो 120 का ट्रैवल किया। और पोजीशन में चेंज कितना हुआ है, पोजीशन में भी चेंज कितना हुआ है बताओ भाई, 120 का ही हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है ये बराबर हो गया, यहाँ इस केस में दिखा कि बराबर हो गया, लेकिन हर केस में नहीं हो सकता, मे बी और मे बी नॉट। जैसा कि हमने क्या लिखा यहाँ पे, मे और मे नॉट, हो सकता है कि हो जाए और हो सकता ना हो, ठीक है। तो इसमें हमेशा नहीं है कि हम इसको बराबर करके बता देंगे कि मैग्नीट्यूड है, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है एक्स्ट्रा, बस ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की मैग्नीट्यूड अलग है। दोनों चीजें देखो, नाम से ही पता चला, एक पार्ट ट्रैवल्ड है और दूसरा क्या, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन कितनी चेंज हो गई, ओके।
नेक्स्ट आगे देखते हैं ग्राफ। अब सिंपल सी बात है कि ग्राफ क्या है। अभी हमने पोजीशन की बात कर ली, हर चीज की बात कर ली। ग्राफ ग्राफ एक इमेज है, एक तरह से जैसे हम इमेज देख रहे हो, तुम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तुम फोटो देखते हो, फोटो देख के क्या बताते हो कि इमेज देख के उसकी सारी डिटेल्स वहां पे सब चीजें पहचान जाते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूं कल के इंडिया के मैच का, ठीक है, उसमें स्कोर कार्ड हो तो तुम स्कोर कार्ड देख के क्या बता दोगे कि जब ये पिक्चर ली गई थी उस वक्त हाँ आईपीएल चल रहा है, मैं इसीलिए ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके, हाँ मैं आईपीएल देख रहा हूँ, ओके, ठीक है। जब कल किसका मैच था, कल तुम जब देखोगे तो तुम्हारा मैच अलग हो, मेरा मैच अलग है, ठीक है। तो खैर उन बातों पे नहीं पढ़ते, तो मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली तुम क्या है मैच के स्कोर कार्ड देख के बता सकते हो कि जब ये पिक ली गई तो क्या हाल था, ठीक है। तो वैसे ही हम ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो किसी मोशन की पिक ले लेते हैं सिंपली, कि एक पिक के फॉर्म में उसको उतार दिया, तो क्या है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी चीज को हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर ग्राफ है तो ग्राफ को पिक्चर के फॉर्म में ड्रॉ कर देना, वो क्या होगा, वो हमारा क्या बनेगा भाई बताओ, वो एक इमेज मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो ग्राफ किस टाइप से, ग्राफ एक इमेज है जैसे मैंने बताया, वो कैसा इमेज है, जैसे मान लो कि एक एक्सरे है, ठीक है, एक्सरे की बनी हुई इमेज है, तो वो देखना आए या ना आए सब उठा के ऊपर जरूर करते हैं, ओके, लेकिन उनको अच्छी तरीके से देख कौन पाता है, जो उनको पढ़ना जानता है, जैसे कौन, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनको पढ़ना आता है, वो उठाते हैं, वो देखते हैं, उनको समझ में भी आता है, बाकी नॉर्मल लोग क्या देखते हैं यार, क्या समझ में आता है उनको, ठीक है। खैर वो उनको पढ़ना आता है उसी टाइप से, एक्सरे कौन पढ़ सकता है, एक्सरे वाली इमेज को कौन पढ़ सकता है, डॉक्टर पढ़ सकता है, उसी तरह से क्योंकि उन्होंने उसकी पढ़ाई की है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा है, उसी तरह से ग्राफ भी एक इमेज है, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी कि वो कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, किसके बीच बनते हैं, तो ये सब चीजें, तो इसके बारे में देखो, ग्राफ इज अ पावरफुल टूल टू रिप्रेजेंट एंड एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट से क्या बता सकता है, मोशन को बता सकता है ये ग्राफ हमारा, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, ये हमारी अलग से खड़ी है, उससे कुछ दूर पे एक जीप खड़ी है, और वो कितने पे है, 80 मीटर पे, ठीक है। तो उसकी पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू 80 मीटर। तो अलेक्सा के पास क्या है, अलेक्सा के पास बहुत सारी चीजें, अलेक्सा के पास एक स्टॉप वॉच भी था, ठीक है, जहाँ पे वो खड़ी रहेगी स्टॉप वॉच भी होगा उसके पास, उसके पास रेफरेंस पॉइंट भी होगा, रेफरेंस पॉइंट क्या है, इसके इसमें ओरिजिन है, ठीक है। तो उसने अपना स्टॉप वॉच जब देखा, जब इनिशियली देखा, तो वो देखा क्या कि वो जीरो पता, मतलब स्टॉप वॉच से देखा तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या, जब उस पर जीरो शो हो रहा था स्टॉप वॉच पे, तो उसने क्या देखा कि वो 80 मीटर पे, ओके, तो उसने लिख लिया कि उसकी पोजिशन एक्स इक्वल टू 80 मीटर है एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो है तो उसका एक्स कितना है, पोजीशन कितनी, 80 मीटर, ओके। फिर उसने क्या देखा कि उस स्टॉप वॉच को ऑन किया और एक सेकंड बाद फिर देखा, तो फिर देखा क्या, फिर भी वो वहीं था, एक सेकंड बाद भी एक्स देखा तो वो 80 मीटर पे ही था, ओके। फिर टाइम और बीता, फिर उसने एक सेकंड के बाद दो सेकंड पे देखा, तो फिर भी क्या देखा कि एक्स अभी भी 80 मीटर ही है, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू थ्री, मैं इससे ज्यादा पॉइंट नहीं लेगा, टी इज इक्वल टू थ्री पे देखा 80 मीटर ही है। तो अब उसने क्या बोला कि भाई ऐसा ही है, तो हम इसके बेस पे इसकी पिक्चर बना के दो मुझे, जिसमें पोजीशन और टाइम, देखो हम ग्राफ बनेंगे तो ग्राफ बेसिकली दो क्वांटिटीज के बीच बनती है, ठीक है। तो अगर हम इसको देख रहे हैं तो वैसी बात है कि इसकी पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, अभी पोजीशन और टाइम के बीच में एक पिक्चर बना दो भाई। तो मैंने टाइम को एक एक्सिस पे रखा, इसको एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को रखा। देखो मैथ्स में हमें क्या होता है, मैथ्स में वाई और एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है। मैथ्स हमें क्या देता है, हमें इंस्ट्रूमेंट देता है प्रोवाइड करने के लिए कि अपने जनरल लाइफ के, मतलब फिजिक्स के सवाल सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हमने इंस्ट्रूमेंट दिया कि एक्स पे कुछ भी रख लो, वाई पे कुछ भी रख लो, ठीक है, उनके बीच का रिलेशन और तुम्हें इस ग्राफ से पता चल जाएगा। ग्राफ बनाना हमने मैथ में सीखा, उसको अप्लाई यहां करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ग्राफ बनाना थोड़ा बहुत सिखाऊंगा, ठीक है, जिससे हमारा काम आता है, ठीक है। तो टाइम को मैंने रखा इमेजिनरी एक्सिस पे, जो किसी चीज पे और पे डिपेंड नहीं कर रहा, हमारी पोजीशन किस पे, टाइम पे डिपेंड कर सकती है, ठीक है। तो मैंने वाई एक्सिस पे मैंने किसको रखा, वाई एक्सिस पे रखा मैंने पोजीशन को, एक्स को मैंने पोजीशन को यहाँ रख दिया, ठीक है। तो मैंने टाइम इक्वल टू जीरो यहाँ स्टार्ट हुआ, तो मैंने जीरो यहाँ लिया, ठीक है, वन सेकंड यहाँ हुआ, टू सेकंड यहाँ हुआ, थ्री सेकंड यहाँ हुआ, मैंने ग्राफ पे ये रिप्रेजेंटेशन बना दी, ठीक है। और ये 80 मीटर पे है, तो मैं 40 मीटर के गैप पे ले लेता हूँ, 40 मीटर, 80 मीटर एंड 120 मीटर, इस टाइप से मेरी पोजीशन मैंने दे रखी है मीटर्स में, पोजीशन मीटर में दे रखा है, टाइम सेकंड में दे रखा है मैंने यहाँ पे, ओके। तो अब क्या बोला कि एट टी इक्वल टू जीरो पॉइंट मार्क करो, तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या देखा, मेरा कितनी पोजीशन 80 मीटर पे थी, तो मैंने 80 मीटर को मार्क कर लिया, ठीक है। वन सेकंड पे कितनी थी, वन सेकंड पे भी देख रहे हैं हम, तो देखो वन सेकंड पे कितनी भाई, 80 मीटर, वन सेकंड पे भी 80 मीटर मार्क कर लिया,
टू सेकेंड पे भी 80 मीटर ही है और 3 सेकेंड पे भी 80 मीटर ही है। तो मैं इसका अगर रिप्रेजेंट कर दिया मैंने ये इस टाइप से, तो ये क्या बन रहा है, एक ऐसी लाइन बनी हमारी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल पता नहीं, दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट ना करें वो पैरेलल होता है, ठीक है। तो एक पैरेलल लाइन बन गई। तो हमें जब भी ऐसा ग्राफ, अगर ऐसा पिक्चर कोई बना के अगर हमें दे दे, हमें बोले कि ये एक्स टी ग्राफ है, ये एक पोजिशन टाइम ग्राफ है किसी चीज की, तो तुम क्या समझोगे कि वो पार्टिकल की पोजीशन कैसी है, कांस्टेंट है उस ऑब्जर्वर के हिसाब से। अगर ऑब्जर्वर ओ पॉइंट पे खड़ा है और वो चीज वहीं पड़ी हुई है तो वो पड़ी है। जैसे इस केस में अलेक्सा और वो जीप कैसे है कि वो वहां पे खड़ी है, ठीक है। अब वो खड़ी है, वो देख रही है, उसका पोजीशन टाइम, उसने पिक्चर बना लिया, तो ये पिक्चर से मतलब क्या पता चला कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसका पोजीशन टाइम क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, ओके, सिंपल सी बात है। अब हम कुछ और भी टाइप की पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है कि एलेक्सा के आगे 3 छोटी छोटी बाइक रखी हुई है, ठीक है। तो वो टाइम अलग अलग टाइम पे है, 3 टाइम अलग अलग है, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, मतलब हमने वही बात की कि टाइम 3 टाइम देखे, टी इज इक्वल टू जीरो कौन सा टाइम होगा, टी इज इक्वल टू जीरो वो टाइम होगा जब वो स्टॉप वॉच ऑन करेगी। एलेक्सा जब स्टॉप वॉच ऑन करेगी तो जो टाइम मिलेगा वो हमें उसको क्या बोलेंगे, उसको टी इज इक्वल टू जीरो बोला जाएगा। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे जो मिला एक्स कितना मिला, वो पोजिशन कितना मिला, वो मिला जीरो, वो वहीं पे था अलेक्सा के पीछे, चूंकि नहीं दिखा, ठीक है, 0 मीटर, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 1 क्या दिखा मुझे, टी इज इक्वल 1 सेकंड पे वो 40 मीटर पे चला गया। टी इक्वल टू 2 पे क्या दिखा मुझे, वो 80 मीटर पे चला गया। टी इक्वल टू 3 क्या दिखा मुझे, वो 120 मीटर पे चला गया, ओके। तो मैं इसका पोजिशन टाइम ग्राफ बनाना चाहूंगा, तो ये मैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ऐसा, और ये 0 सेकंड, ये बराबर 0, 1, 2, 3, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइम इन सेकंड इस साइड की तरफ, और यहाँ पे एक्स मतलब पोजीशन इन मीटर इस साइड की तरफ, ओके। ऐसा यूनिट के टर्म में मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और हम जनरली ऐसा यूनिट ही यूज करते हैं। और इस साइड में बना देता हूँ 40, 80, 120 और ये 160, ओके, इस टाइप से बना दिया। अब क्या, टी इक्वल टू 0 पे 0, टी इक्वल टू 1 पे 40 और टी इक्वल टू 2 पे, ओके, एक सेकंड मैं अगले ग्राफ पे आता हूँ, ठीक है। टी इक्वल टू 2 पे 80 और टी इक्वल टू 3 पे 120। अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया तो ये कैसी लाइन बन गई भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है, इसमें कर्व नहीं है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। हमें पता है स्ट्रेट लाइन, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, सीधी होती है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बनी है और क्या है कि ये कुछ एंगल पे टिल्ट है हमारे, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे टिल्ट है। इससे पहले वाला देखो कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या थी, पैरेलल थी, तो इसके बीच में कोई एंगल नहीं था, लेकिन इस केस में क्या है, ये कुछ एंगल पे टिल्ट है, ओके, ये बात याद रहेगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारी साइकिल है, वो क्या हो रही है कि इसके बारे में कि उसने ये पिक्चर कब बनी है, ये पिक्चर तब बनी है जब उसने इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया, मतलब इक्वल पाथ लेंथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया। ये कुछ डेफिनेशन से याद नहीं आ रहा है, अरे वो उसका था ना यूनिफॉर्म मोशन का, कि इफ अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी से दैट इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, 9th क्लास की कुछ बात है, धुंधली धुंधली मुझे तो याद आ रही है, तुम्हें भी याद आ सकती है, सोचो सोचो। हाँ, और तो हम इसे क्या पता चलेगा कि अगर इस टाइप की ग्राफ है जिसमें एंगल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये कैसा पिक्चर बता रहा है, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट का पिक्चर बता रहा है जो मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता हुआ जा रहा है, ठीक है, मेरे पास से, ठीक है। सिंपल बात, एलेक्सा के पास से कोई किसी ने एक साइकिल मतलब एक साइकिल स्टार्ट हुई है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से पास होती हुई चली गई, ओके। तो ये कहानी भी होती है, हर ग्राफ के पीछे एक कहानी होती है, ओके। अब ये जैसा मैंने एक अभी बताया ना कि एक डेफिनेशन याद आया, वो डेफिनेशन मैं जरा दिखा देता हूँ। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। यही तो याद आ रहा था मुझे अभी भी, तुम्हें भी याद आ रहा था, चलो अच्छी बात है। और एक और याद आ गया साथ में, नॉन यूनिफॉर्म वाला, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, समझदार हो रहे, ओके। अब देखो तीसरा क्या आ जाता है, तीसरे में क्या है कि एट टी इक्वल टू 0 वो मेरे पास था, मतलब जी एलेक्सा के पास था, मेरे पास था, एलेक्सा के पास था, और टी इक्वल टू 1 पे क्या देखा, 40 मीटर, टी इक्वल टू 2 पे 120 मीटर एंड टी इक्वल टू 3 पे 240 मीटर। वहां तक पहुंच गया जब एलेक्सा ने टाइम स्टार्ट किया। मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ और सारे पॉइंट्स लिखता हूँ। तो उसमें क्या बोला गया, एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0, माना कि हमने एट टी टाइम इक्वल टू 0 पे भी उसकी कितने वो हमारे मेरे साथ खड़ा था एलेक्सा के साथ, ठीक है। एट टी इक्वल टू 1 क्या हुआ, एक्स इक्वल टू 40 मीटर, टी इक्वल टू 2 क्या देखा मैंने, एक्स इक्वल टू क्या है देखो बताओ, 180 मीटर, और टी इक्वल टू 3
एक्स इज इक्वल टू 240 meters. अब मैं इसका सेम भाई एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ, पोजीशन और टाइम के बीच का एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ. पिक्चर मतलब क्या है भाई, ग्राफ बनाना चाहता हूँ यार. तो ये रहा ये मेरा एक्स रहा और ये रहा मेरा टी, टी रहा मेरा सेकंड में और एक्स रहा मेरा मीटर में. ओके तो मैंने क्या देखा कि ये रहा टी इक्वल टू जीरो पे जीरो और मैं पहले मार्किंग करता हूँ 1 2 3 4 भाई इधर की तरफ, ठीक है इस साइड करता हूँ. तो 40 40 का ले लेता हूँ मैं, एक से 40 80 120 160. वो आगे जाना पड़ेगा मुझे थोड़ा और, तो मैं इसको मिटा के थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ 200 240 280. यहाँ तक चला गया ग्राफ, ऊपर तक चला गया. ओके मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ तो दिख जाएगा रेड ब्लैक, ब्लैक तो दिखेगा भी नहीं वैसे, तो रेड ही लेता हूँ. ठीक है ये ऊपर गया ऐसे यहाँ तक 280 तक गया और ऊपर चला गया. ठीक है तो मैं टी इक्वल टू जीरो पे ये रहा, टी इक्वल टू वन पे 40, टी इक्वल टू टू पे 120. ओके भाई और टी इक्वल टू थ्री पे 240. बहुत ज़्यादा यहाँ घुस गया. तो ये देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन सा नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये कर्व बन रहा है. ये कैसा शेप बन रहा है, ये कर्व सा शेप बन रहा है. तो जब भी अगर अपोजिशन टाइम ग्राफ में कर्व बन जाएगा तो मतलब क्या है इसका कि इसमें कौन है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म है, ये अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रहा है. मतलब इसके जो इक्वल इंटरवल का टाइम देखा जाए तो उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. तो जब भी हम किसी ग्राफ में एक्स किसी भी पोजीशन टाइम का पिक्चर अगर दे दो, किसी पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हो और उसमें अगर हम कर्व देख लें तो मतलब क्या है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. और अगर इसे बैक आते हैं और अगर हम क्या देख लें कि अगर स्ट्रेट लाइन देख लें ऐसे विद स्लैंट हाइट के साथ, तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि ये हमारी क्या भाई बताओ, हाँ ये यूनिफॉर्म मोशन है. और अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस देख ले तो हम क्या बोलेंगे भाई ये चीज पार्टिकल रेस्ट पे ये वैसे रखी हुई है. ठीक है तो ये पोजीशन टाइम के कुछ पिक्चर्स दिखाए मैंने तुम्हें. ओके आगे चलते हैं और आगे हम क्या देखते हैं, एवरेज स्पीड के बारे में देखेंगे. एवरेज स्पीड क्या है, देखो एक बंदे ने अपना पाथ स्टार्ट किया, मैं उस जोमेटो वाले को लेता हूँ. ठीक है वो काम करता है, वो काम करता है सपोज कि वो दिल्ली में काम करता है. ठीक है दिल्ली के अंदर और जगह मैं क्या लूँ, कोई हिंट यार कोई सी भी जगह ले लो, मैं मान लेता हूँ द्वारका में ही काम करता है. ठीक है तो द्वारका पे वो निकलता है. ठीक है और वो जाता है और आधे घंटे में उसको डिलीवरी देनी है, उसको टाइम क्या है आधे घंटे. ठीक है और उसका डिस्टेंस है, और उसका डिस्टेंस है 6 किलोमीटर का. ठीक है तो 6 किलोमीटर का, तो मैं बोलूँगा भाई स्पीड निकालो, तो बोला 6 किलोमीटर और अब डिवाइड तुम किससे दे दोगे 30 मिनट से. ठीक है उसको 30 मिनट लगे. ठीक है तो 6 किलोमीटर अपॉन में 30 मिनट. ठीक है तो ये है हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, ये सॉरी आ जाएगी स्पीड आ जाएगी हमारी. ओके स्पीड का ये फॉर्मूला होता है. तो 6 किलोमीटर मैं इसको मीटर में चेंज कर लूँगा तो 6000 मीटर अपॉन में 30 मिनट में इंटू में 60 सेकेंड, तभी तो मेरी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड. हाँ हम जैसे क्वांटिटी डालेंगे हमारी यूनिट उसी टाइप से आएगी. ओके हम जानते हैं इन बातों को. ठीक है मैं 60 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 100 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारी इतनी स्पीड आ गई उसकी. अब ये बताओ कि उस बंदे ने क्या ऐसे ही स्टार्ट किया होगा गाड़ी 10/3 मीटर पर सेकेंड से और पूरे रास्ते चला होगा. रियलिटी ये नहीं होती. रियलिटी क्या होती है कि वो पहले रोड खाली दिखती है तो तेज भी भगाता है, रेड लाइट आ जाती है तो रुक भी जाता है. रुकना चाहिए भाई, रेड लाइट पे रुकना ही चाहिए. क्या मतलब कि भाई कोई नहीं है तो निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है गलत बात है, ऐसे गंदे भाई रूल नहीं तोड़ने का भी. ठीक है चलान कट जाएगा भाई, अब तो इतने महंगे हो गए. ठीक है 10/3 तो क्या होगा कि उसकी वेरिएबल चेंज होती रहती है, लेकिन फिर भी क्या बात होती है, लेकिन फिर भी ये स्पीड कौन सी स्पीड आई है. तो बोले कि ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो इतने से चला है. तो इसलिए हमें एवरेज स्पीड की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है. जब भी हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड निकालेंगे तो वो कौन सी स्पीड आएगी, तो वो आएगी एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जितना उसने टोटल पाथ लेंथ कवर किया, अपने जितना टोटल टाइम लिया. ठीक है तो एवरेज स्पीड हमेशा क्या होगा, एवरेज स्पीड हमेशा हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा हमारे साथ टोटल पाथ लेंथ. ठीक है टोटल डिस्टेंस लिखो या मैं टोटल पाथ लेंथ लिखूँ, बात एक ही है. टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टोटल टाइम, जितना भी उसने टाइम लिया. ठीक है टोटल टाइम. ओके तो अब हम बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो चल रहा है. ठीक है तो वो अपने पाथ को अलग अलग डिस्टेंस से अलग अलग टाइम में कवर कर सकता है.
ठीक है, तो मैं उसकी जर्नी को हो सकता है हमारे टुकड़े हो जाए, ठीक है, और वो अलग अलग वेलोसिटी से चले, अलग अलग टाइम से चले, तो इन सब केस में हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, इनके बारे में जरा देखते हैं हम। तो नेक्स्ट के में हम चलते हैं। तो मान लो उस पार्टिकल ने, सपोज करो इफ पार्टिकल, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल एक्स वन डिस्टेंस इन टी वन टाइम, एक्स टू डिस्टेंस इन टी टू टाइम एंड एक्स थ्री डिस्टेंस इन टी थ्री टाइम, ठीक है। तो ये उसने, उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया कि एक्स वन डिस्टेंस टी वन टाइम में पूरा किया, एक्स टू डिस्टेंस टी टू टाइम में पूरा किया और एक्स थ्री डिस्टेंस टी थ्री टाइम में पूरा किया, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि टोटल पाथ लेंथ एवरेज स्पीड, ठीक है। तो मैं इसको एक सेकंड, एवरेज स्पीड यहाँ लिख लेता हूँ, टोटल पाथ लेंथ। हम फॉर्मूला, पहले हमें सारे फॉर्मूले जरूर याद करने हैं। देखो फॉर्मूला जितना अच्छे से याद करोगे तुम्हारे न्यूमेरिकल उतने आराम से निकलेंगे, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, ओके। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इसने कितना कितना ट्रेवल किया, तो इसने एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, तो मैं इसके टोटल पाथ लेंथ दिखाता हूँ, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। ये इजी काम है, इसके लिए आराम से ये ट्रैवल करके चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस पे एक एग्जांपल करके बताता हूँ कि अगर सपोज करो कि एक्स वन मान लो कि उसने 5 किलोमीटर किया उसने ट्रैवल, ठीक है, और उसमें टाइम लिया हाफ आवर, ठीक है, हाफ आवर लिया, ठीक है। फिर उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया जिसमें भी उसने हाफ आवर लिया, और उसने फिर 15 किलोमीटर ट्रैवल किया और जिसमें लिया 1 आवर, ठीक है। तो अब तुम्हें बताना कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड हम बताएंगे, ये सिंपल सा क्या बात है कि उन तीनों के डिस्टेंस को एक साइड ऐड कर देंगे, तो तीनों डिस्टेंस ऐड करो कितना हो जाएंगे, तो 5 + 10 + 15, याद रखना मैंने सारी वैल्यूज किस में डाली है, किलोमीटर में डाली है, ठीक है। तो हमारे वैल्यू किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है। और नीचे हाफ आवर, हाफ आवर 1 आवर, तो हाफ प्लस हाफ प्लस 1 आवर, तो ये हमारा हो जाएगा 30/2, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर, हमारी स्पीड क्या आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो इस टाइप से हमारी स्पीड आ जाएगी, बस समझ आ रही है। अब ये तरीका तो हो गया, अब मैं इस साइड आता हूँ और दूसरा चीज़ बताता हूँ। उसमें क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल, अगर वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, उसने बताया नहीं कि वो कितना कितना डिस्टेंस कर रहा है, बोले क्या कि V1 की स्पीड से उसने T1 टाइम ट्रैवल किया एंड V2 की स्पीड से फिर T2 टाइम ट्रैवल किया और फिर V3 की स्पीड से T3 टाइम ट्रैवल किया, ठीक है। एक बंदा है जिसने V1 से T1 टाइम तक ट्रैवल किया, V2 से T2 टाइम तक ट्रैवल किया, V3 से T3 टाइम तक ट्रैवल किया, तो अब तुम्हें ये बताना है कि भाई एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, वो हमने इस साइड लिखे रखा है, तो वहाँ देख लो वो लिखा हुआ, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल पाथ लेंथ तो दिया नहीं है, टोटल टाइम गिवन है, तो हम टोटल टाइम को नीचे लिख देते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3, ओके। बट हमें क्या है, टोटल पाथ लेंथ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे भाई, टोटल पाथ लेंथ निकालेंगे। तो X1 कैसे निकलेगा, तो हमें X1 X2 X3 निकालना होगा। तो X1 का सिंपल तरीका है, X1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इंटू T1, है ना, यही तो होता है हमारा कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड और टाइम गिवन है। तो X1 की जगह क्या हो जाएगा, V1 T1 प्लस में V2 T2 प्लस में V3 T3, ओके। ये हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा, एवरेज स्पीड, ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो इससे भी, इस पर भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि उस बंदे ने 2 किलोमीटर पर आवर से, 2 किलोमीटर पर आवर से वो चला 5 सेकेंड, 5 आवर तक, ठीक है। फिर 7 किलोमीटर पर आवर से चला 3 आवर, ठीक है। और फिर 10 किलोमीटर पर आवर से फाइनली 11 किलोमीटर पर आवर से वो चला 2 आवर, ओके। तो अब एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो हम सिंपली बात है, हमारा तरीका क्या है कि हमने बोला कि हमें तो टाइम नीचे ऐड करके डाल देंगे, लेकिन डिस्टेंस ऊपर ऐड करना होगा, डिस्टेंस नहीं गिवन, तो डिस्टेंस हम हर किसी के लिए निकालेंगे। तो पहले वाले का डिस्टेंस क्या होगा, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, 7 × 3 21 किलोमीटर, ठीक है। तीसरे वाले में क्या आ जाएगा, 11 × 2 22 किलोमीटर। और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल टाइम कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास 10 × 5 = 3 = 10 hours, ओके। अब इन सबको ऐड कर दिया अगर मैंने 10, 22, 21, तो ये हो जाएगा 43 + 10 = 53/10, ठीक है। तो 53/10 यानी 5.3 किलोमीटर पर आवर, सिंपल आ गया हमारा। तो इस टाइप से होगा कि हमें वो चीज़ें गिवन होंगी या वो चीज़ें गिवन नहीं होंगी,
ठीक है, जिस चीज से गिवन है उससे हम अननोन क्वांटिटी पता करेंगे और उस अननोन क्वांटिटी को हम फॉर्मूले में फिर पुट करेंगे। ओके, तो ये हमारा तरीका है, एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है, समझ में आई बात। एक तीसरा तरीका भी है, एक तीसरा भी हमारा इसमें केस बनता है, उस केस को मैं बताता हूँ। इसको पहले मैं मिटा दूँ सारे, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर नोट करना तो जल्दी नोट कर लो पॉज करके। ओके, तो मैं इसी साइड बताता हूँ। तो इसमें क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल विथ वेलोसिटी विथ स्पीड v1 टू x1 टाइम, मतलब इसमें बताया गया है कि उसने कुछ स्पीड से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर क्या हुआ, फिर v2 से x2 ट्रेवल किया, फिर v3 से x3 ट्रेवल किया, तो देन फाइंड एवरेज स्पीड। उसको केस में एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, हमने अभी देखा था टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल पाथ लेंथ तो हमें गिवन है, टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये हमें टोटल पाथ लेंथ गिवन है। एवरेज स्पीड के लिए टोटल पाथ लेंथ गिवन है, अभी हमें क्या डालना है, टोटल टाइम डालना है। तो टोटल टाइम क्या होगा, टाइम तो हमें गिवन नहीं है, तो टाइम तो अब हमें निकालना पड़ेगा। तो t1 निकाल सकते हो क्या, t1 हाँ बोला क्या कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड से तो टाइम ही तो निकलता है। तो हम बोलेंगे x1 अपॉन v1 प्लस में x2 अपॉन v2 प्लस में x3 अपॉन v3, इस टाइप से एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड हमारे केस के हिसाब से अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हमारा हर जगह सेम रहेगा। देखो फॉर्मूला हम एक पढ़ते हैं, लेकिन उसके केस के लिए अप्लाई करने पे क्या होता है, हर तरह से मॉडिफाई करके हम नए नए फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। मेन बेसिक फॉर्मूला एक ही रहेगा। बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारे एवरेज स्पीड का, टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टोटल टाइम। ओके, ठीक है। तो इस पर भी मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, एक से इस पर भी मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। एग्जाम्पल वो क्या कहता है कि एग्जाम्पल अगर उसने कहा कि सपोज कोई सी भी क्वांटिटी ले लो, 5 किलोमीटर पर आवर से वो 10 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। फिर 5 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर जाता है, फिर 5 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर जाता है, ठीक है। मैं वापस अपनी साइड पे चला जाता हूँ और आगे क्या करता हूँ। तो सिंपल बात क्या हो गई हमारे पास, तो ऊपर तो डिस्टेंस को सिंपली ऐड कर दो, 10 + 20 + 30 सिंपली ऐड हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है कि हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, पहली बार में 10 अपॉन में स्पीड 5, फिर 20 अपॉन में 5, फिर 30 अपॉन में 5। ओके, तो इस टाइप से हमारे टाइम निकल जाएंगे तीनों टाइम के, ठीक है। अब ऊपर ऐड करो 30, 20, 50 + 10, 60, 60 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6, 12, तो 60 / 12 = 5 km/h। ओके भाई, तो इस टाइप से हमारे एवरेज स्पीड आएगी। तो एवरेज स्पीड का एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। अब इसको तुम अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जनरल से केस बनते हैं तीन जो मैंने करवा दिए हैं। आगे और मिलेंगे, हम इस पर क्वेश्चन और करेंगे, जब हमें क्वेश्चन का टाइम आएगा तो और क्वेश्चन करेंगे, हम सब चीज़ों को कवर पूरे अच्छे से करेंगे। अब हम बेस बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो जैसे हमने बताया कि एवरेज स्पीड को मैंने कैसे बताया तुम्हें, एवरेज स्पीड को बताया कि टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टोटल टाइम। तो सिंपल सी बात क्या है कि अब एवरेज स्पीड के बारे में एक चीज और नोट कर लो कि एवरेज स्पीड की यूनिट क्या होगी, जो स्पीड की यूनिट होती है क्या होती है, स्पीड की यूनिट होती है हमारी m/s। ओके, तो वही होगी, उसकी भी यूनिट m/s होगी SI में। ओके, किलोमीटर पर आवर में हम जनरल यूज करते हैं तो बता देते, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी होगी, तो जैसे बात की हमने, इसमें क्या है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो पाथ लेंथ कैसी क्वांटिटी, पाथ लेंथ स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी स्केलर होगी, ठीक है। फर्दर हम बात करेंगे आगे इन फोर्थ चैप्टर में इस पे वेक्टर और स्केलर पे, अभी जितना बता रहे हो उतना थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। ओके, तो ये दो चीजें बात पक्की हमने। अब नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी की बात आती है। तो एवरेज वेलोसिटी, अभी मैंने एवरेज डिस्टेंस बताया, उसमें क्या बताया तुम्हें कि वो क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम। वो क्या था, टोटल जितना भी टोटल पाथ लेंथ थी, ठीक है, और क्या हो गया इसमें, चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम होगा। ओके, तो चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम किस टाइप से दिखाया जाए, तो अगर मैं बताऊं कि चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला लिख लो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो कि क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन, मतलब ये सिंपली बात है, चेंज इन टाइम हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टाइम टेकन, हम क्या लिखेंगे, टाइम टेकन। ओके,
तो इसका एवरेज वेलोसिटी हम वी बार से दिखाएंगे। बार मतलब अगर कभी ऊपर बार लगा हुआ दिख जाए तो तुम्हें इसका मतलब क्या समझना है कि एवरेज साइन को हम डिनोट कर रहे हैं। ओके, वी बार इज इक्वल टू चेंज इन पोजिशन डेल्टा एक्स और टाइम टेकन, जितना भी टाइम लिया जाएगा तो चेंज इन टाइम उसको भी हम टाइम डेल्टा टी से ही डिनोट कर देते हैं। कोई इशू नहीं है कि जितना भी टाइम लिया उसने वो टाइम के हिस्से का चेंज है। ओके, तो याद रखना एवरेज वेलोसिटी इस टाइप से दी जाएगी। ओके, अब बात हम करते हैं, तो जैसे मैंने ये बात की एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब मैं इस पर एक एग्जांपल देता हूँ कि एक केस है कि एक बंदा मूव किया, क्या कहते हैं कि अपनी पोजीशन से, मान लो कि अ पर्सन मूव्स 40 मीटर इन टू सेकेंड फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो इस केस में क्या होगा कि वो बंदा 40 मीटर मूव किया है, कहाँ, आगे की तरफ, ठीक है, और दो सेकंड में किया, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड ये क्या हो गया, टोटल पाथ लेंथ क्या होगा, 40 अपॉन टाइम 2, ठीक है, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा किसका आ गया, सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है कि ये एवरेज स्पीड आ गया। एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है बताओ भाई, चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन में चेंज किया, वही बात है कि वो वहां से वहां चला गया तो 40 मीटर का चेंज हुआ। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी यानी मैं वी बार कर दूं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 40 अपॉन 2, ये भी 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आ सकता है कि क्या हर केस में ये ऐसा ही होगा कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज डिस्टेंस के बराबर होगा, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर, बोला नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे क्वांटिटी हमारी अलग है, ये तो बात है कि स्ट्रेट लाइन में चल रही थी तो क्या हुआ कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी टर्निंग मूवमेंट आएगा तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अपोजिटिव के बाद नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बट पाथ लेंथ क्या होगा, पाथ लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होगा कि हमारी ये भी चीज चेंज हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि अ पर्सन मूव, ठीक है, वो उसी क्वेश्चन को मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, उसमें क्या 40 मीटर चला और फिर देन आफ्टर ही कम्स बैक 60 मीटर। ठीक है, वो वापस आया 60 मीटर तक, पीछे आ गया था 60 मीटर। ठीक है, तो टोटल पाथ लेंथ कितना, एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, टोटल पाथ लेंथ एवरेज स्पीड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 60 और टाइम जो इसको लगा इन 3 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड में वो 60 मीटर पीछे भी आ गया, तो 40 प्लस 60 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 2, 500 अपॉन 5, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो उसकी स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड की थी, बट एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी हमारी चेंज मतलब चेंज इन पोजीशन क्या हुआ कि वो पहले 40 आगे गया, वो पहले मैं देखूंगा ये 40 आगे गया 40 मीटर और फिर क्या हुआ 60 बैक आया, तो ये 60 मीटर, तो इसका क्या हुआ, वो पीछे की साइड पहुंच गया, कितना चेंज आ गया उसके पोजीशन में इतना चेंज आ गया 20 मीटर का। ओके, तो ये चेंज इन पोजीशन होती है। तो हम सिंपली इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो ये हमारी वही हुआ चेंज इन पोजीशन ही बताता है। ठीक है, तो 20 मीटर की तरफ लेकिन नेगेटिव की तरफ, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, -20 अपॉन 5, ये क्या आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग भी हो सकती है, वो कंडीशन पे हो सकता है कि कभी सेम हो जाए, उसी तरीके से जैसे हमारा एवरेज डिस्टेंस जो था यानी पाथ लेंथ वो किसके बराबर हो जाता था, डिस्प्लेसमेंट के, तो ये किसी केस में पॉसिबल है किसी केस में पॉसिबल नहीं है। अब हम बेसिकली बात करते हैं चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम ही हमें क्या देगा, चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अब जैसे कि मैंने एक ग्राफ ये ले लो, ठीक है, तो इस ग्राफ में क्या बता रहा है कि चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो मैंने एक पॉइंट लिया ये 27.2, ये लिया एक्स टू लिया, ठीक है, ये दूसरी पोजिशन लिया और ये लिया एक्स वन लिया 10 को लिया। ठीक है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन ही क्या होगा मेरा, डेल्टा एक्स होगा और ये कितना हो गया 27.4। और ये क्या, ये सबसे पहली बात क्या, ये एक पोजिशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, एक पिक्चर है जिसमें पोजिशन और टाइम को रिलेट किया जा रहा है, तो वही बताया जा रहा है। तो 27.4 माइनस में 10 ये आ गया 17.4 मीटर का। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इतना आ गया और इसको चेंज करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, तो T2 हमारा कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा 7 और T1 हो जाएगा 5, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा T2 माइनस T1 और ये हमारा हो जाएगा कितना होगा भाई, T2 माइनस T1 तो 7 माइनस 5, तो एक से
सेवन माइनस फाइव, और सेवन माइनस फाइव हो जाएगा टू सेकेंड, ये सेवन माइनस फाइव इज इक्वल टू टू सेकेंड, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा क्या है वी एवरेज, मतलब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो डेल्टा एक्स हमारा क्या है 17.4 अपॉन टू, तो ये क्या आ जाएगा भाई बताओ जरा, 17.4 को अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 8.7, ठीक है, तो 8.7 मीटर पर सेकेंड। तो हम किसी भी पोजिशन टाइम ग्राफ के क्या है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से क्या निकाल सकते हैं भाई, किसी भी पोजिशन टाइम ग्राफ के डेल्टा एक्स डेल्टा टी से क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब एक बात ध्यान दो कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या है कि चेंज अपॉन डी एक्स मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है, ठीक है, ये क्या है एवरेज वेलोसिटी है। और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी अगर इस ग्राफ से देखा जाए तो ये हमारी एक क्वांटिटी होती है, स्लोप होती है कि कर्व मतलब कितना कर्व बन रहा है हमारे ग्राफ पे, वो जो स्लोप होती है वो ढाल होती है, वही चीज क्या देती है हमारी, क्या देगी भाई स्लोप जो होगी वही क्या दे देगी हमें एवरेज वेलोसिटी दे देगी। तो ये बात अच्छे से नोट कर लो कि स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी याद रखना, क्या देगा ये एवरेज वेलोसिटी देगा ना कि एवरेज स्पीड, ठीक है, ये बात रखें क्योंकि पोजिशन टाइम ग्राफ है तो जो चेंज मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, हमें मतलब एक क्वांटिटी कौन सी मिलेगी, चेंज इन पोजिशन मिलेगा ना कि टोटल पाथ लेंथ मिलेगा। अगर हमें टोटल पाथ लेंथ मिलता तो हम बोल देते भाई ये हमें एवरेज स्पीड दे सकता था, लेकिन एक्सटी ग्राफ क्या होता है पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या मिलेगा हमें चेंज इन पोजीशन मिलेगा अपॉन चेंज इन टाइम मिलेगा, ये हमारे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो हमें पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से, स्लोप क्या होता है, स्लोप बेसिकली होता है, स्लोप होता है इसके बारे में जानते हो गए यार, डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है, मतलब जो वाई एक्सिस पे उसका चेंज अपॉन में एक्स एक्सिस क्या है उसका चेंज, वो मिला के क्या बनता है हमारा स्लोप बनता है, ढाल बनती है, ठीक है। तो वो स्लोप इस बार एक्स एक्सिस पे कौन है, इस बार एक्स एक्सिस पे डेल्टा एक्स है और y एक्सिस पे कौन है डेल्टा टी है। तो याद रखना कि x पोजीशन टाइम ग्राफ का हमें स्लोप क्या देगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देगा हमें एवरेज वेलोसिटी, ओके, ये बात याद रहेगी तुम्हें। तो सिंपल सी बात है, और कोई और ग्राफ होगा तो उसका स्लोप हमें अलग क्वांटिटी दे सकता है, ठीक है। तो ग्राफ की एक प्रॉपर्टी होती है स्लोप, ठीक है, वो कैसे मिलता है, वो मिलता है डेल y अपॉन डेल x, मतलब y एक्सिस के चेंज अपॉन में x एक्सिस के चेंज के डिवीजन से, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास, और इसके साथ मतलब हमारा लेक्चर आज का खत्म होता है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पे हम और भी चीजों के बारे में बात करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या होती है, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, हमारा स्पीडोमीटर क्या दिखाता है, हम इन सब चीजों के बारे में अगली बारे में बात करेंगे। और बेसिकली इसके साथ जुड़े रहो और सारे फॉर्मूले याद करते रहो, ठीक है। फॉर्मूले याद करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और डीमोटिवेट नहीं होना यार, सारे काम आराम से होंगे, ठीक है। और जिस चीज को मोटिवेट होना है भाई नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, बहुत अच्छा मोटिवेट कर दूंगा, एक बार में सब मोटिवेट हो जाएंगे, एक झटके में सब मोटिवेट, ठीक है। थैंक यू।